हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकेश वर्मा। एक बार फिर नई वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे रक्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कक्षा हाई स्कूल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों, रुधिर जो है तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर किसका बना होता है? तो इसका आंसर है प्लाज्मा व रुधिर कोशिकाओं का बना होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत भाग बनाता है? इसका आंसर है 60% भाग बनाता है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? 90%। मानव रक्त में रुधिर कणिकाएं कितने प्रतिशत भाग बनाती हैं? इसका आंसर है 40% भाग बनाती हैं। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? इसका आंसर है 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 ईस्वी में यह नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। मानव रक्त में कितने रक्त समूह होते हैं? आंसर है 4, A, AB, B और O। कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही होता है, अर्थात कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त को ले सकता है? तो आंसर है दोस्तों AB। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता का मतलब होता है जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो आंसर है O। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों, आंसर है इसका AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं? आंसर है O। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा को बोन मैरो भी कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो आंसर है दोस्तों हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाती है? 5%। 5% कम हो जाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं अर्थात डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना। शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना। रक्त बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। रक्त बिंबाणु का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर होता है 7.4%। 7.4%। रक्त का विलयन कैसा होता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो क्षारी का गुण प्रदर्शित करता है। रक्त प्रसंस्करण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? 120/80 mm। सामान्यतः मानव शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर।
आर्यच तत्व की खोज किसने की थी? आर्यच तत्व की खोज वीनर तथा लैंड स्टिनर ने की थी। आर्यच तत्व का पता किस जीव में लगाया गया था? तो दोस्तों आंसर है रीसस बंदर में सर्वप्रथम आर्यच तत्व का पता लगाया गया था। हृदय एक मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4.5 लीटर 4.5 लीटर। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण रुढ़ा अवस्था में कहाँ होता है? यकृत तथा प्लीहा में। यकृत तथा प्लीहा में। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ग्लूकोज होता है? आंसर है 0.1%। 0.1%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने प्रतिशत होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भार का 7% पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया अर्थात रक्त छीणता। रुधिर अस्कंदन का समय कितना होता है? 2 से 8 मिनट। 2 से 8 मिनट। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो दोस्तों इसका आंसर है हेपेरिन। हेपेरिन। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आंसर है दोस्तों आरबीसी हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों फेरस। आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन। श्वेत रुधिराणुओं WBC की संख्या में बढ़ोतरी क्या कहलाती है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है? तो दोस्तों ल्यूकीमिया रुधिर कैंसर होता है। क्या होता है? रुधिर कैंसर। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के शरीर का रक्त जो होता है वो लाल होता है। रक्त में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी की संख्या में असाधारण वृद्धि क्या कहलाती है? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। मनुष्य का रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो आंसर है दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? अर्थात मानव शरीर में रुधिर बैंक किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को, जिसको इंग्लिश बोलते हैं स्प्लीन। किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड डोनेट करने पर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी होता है अर्थात ब्रिक रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। मानव रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। डायलिसिस। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर हमारे वीडियो से कोई सुझाव है तो दोस्तों थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।